हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नया बड़े पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस बड़े पे डिस्कस करेंगे पीएचपी का कुछ फंक्शन के बारे में, जैसे कि एबीएस, सेल, फ्लोर एंड राउंड फंक्शन के बारे में इस बड़े पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए एबीएस फंक्शन का मतलब द एबीएस फंक्शन रिटर्न द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए नंबर। ठीक, अगर इसके अंदर हम -8.2 वैल्यू पास करेंगे तो ये हमको रिटर्न करेगा 8.2। ये हटाने का काम करता है। देन सेल फंक्शन, सेल फंक्शन क्या होता है कि सेल फंक्शन हमको ऊपर की वैल्यू को प्रिंट करके देता है। अगर हम 8.3 और 8.8 पास करते तो ये रिटर्न करता 9। देन फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन क्या करता है कि फ्लोर फंक्शन राउंड ए नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर इफ नेसेसरी एंड रिटर्न द रिजल्ट। उसके बाद राउंड फंक्शन, राउंड फंक्शन भी इस सभी के मिलता जुलता है, ये ऊपर की वैल्यू देता है। ठीक है, चलिए अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नया है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले आपको MySQL Apache दोनों को ऑन करना है, मैंने ऑलरेडी ऑन कर चुका है। पहले हम सेल फंक्शन देखेंगे। देखिए इको फंक्शन सेल फंक्शन, इसके अंदर 0.6। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल क्या काम करता है कि सेल ऑफर की वैल्यू प्रिंट करके देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0.60 प्रिंट करूंगा तो इको करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सेव रिप्लेस, देखिए 1 ऑफर की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सेल का काम क्या होता है कि हमेशा ऑफर की वैल्यू प्रिंट करके देता है। अगर आपका कुछ डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि 0.40, 5.1 एंड 0.6, 5-5.1, यहाँ पे -5.9। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, सेव रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या था, मेरा फास्ट में क्या था, 0.60 वन रिटर्न किया, 0.40 वन रिटर्न किया, 5 में क्या रिटर्न किया, 5 में 5 रिटर्न किया, देन 5.1 में क्या रिटर्न किया, 6 रिटर्न किया। उसके बाद -5.1 में क्या रिटर्न किया, 5 रिटर्न किया, -5.9 में क्या रिटर्न किया, -5 रिटर्न किया। ठीक है, सेल का फंक्शन इस प्रकार काम करता है। देन एबीएस, एबीएस का फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, इको फंक्शन, इको ब्रैकेट एबीएस फंक्शन, इसके अंदर वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको इको करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, डॉट वेयर डॉट, सेव रिफ्रेश, देखिए 6.7 मुझे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, 6.7। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वैल्यू को -6.7 करता हूँ, इसको -3, लास्ट को +3, देखिए कैसे रिजल्ट आ रहा है, कुछ माइनस नहीं आ रहा है, सब पॉजिटिव में आ रहा है। यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने -3 किया एंड लास्ट में 3.0 भी किया, दोनों का रिजल्ट देखिए -3, 3.0, देखिए लास्ट में दोनों का रिजल्ट 3 आ रहा है। अगर लास्ट वैल्यू को 3.1 करूँगा तो देखिए 3.1 आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव है। ठीक है, ये हटाने का काम करता है। देन राउंड, राउंड फंक्शन,
अगर मैं यहाँ पे राउंड फंक्शन -6.7 करूँगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, 7। अगर इसको 0.6 इसके नीचे और कुछ वैल्यू ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि 0.50, इसको मैं कर लेता हूँ 4 -4.6, एंड लास्ट को करता हूँ -9.9, ठीक है, और एक ऐड कर लेता हूँ 8.1। देखिए 8.1 में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 0.6 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0.50 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, देखिए इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में देखिए -9.9 में क्या आ रहा है। हमेशा राउंड करके ये रिजल्ट शो करता है, ठीक है। देन फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन में क्या होता है कि हमेशा नीचे वाली वैल्यू को शो करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने फंक्शन फ्लोर 6.9, देखिए 6.9, 6.6, 0.50, -4.6, -9.6, 6.9, 6.9 में क्या रिजल्ट होगा कि 6.9 में 6 ही आएगा, 0.6, 0.6 में क्या रिजल्ट आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे।